हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा IQ Z9 Lite 5G फ़ोन है, तो IQ Z9 Lite 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने IQ फ़ोन में आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने IQ फ़ोन में, और कैसे IQ फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर अपने फ़ोन में आप इसका यूज़ कैसे कर पाएंगे और कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर इसका यूज़ कर सकते हैं, तो बताने वाले हैं कि लाइव वॉलपेपर्स वगैरह को कैसे अपने फ़ोन में मैसेज टोन्स वगैरह को सेट कर सकते हैं और कर पाएंगे। सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है, जहाँ से मैसेज टोन्स वगैरह को आप सेट कर सकते हैं और कर पाएंगे सिंपली। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको वीडियो चाहिए तो देखते हैं, आज स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आपको स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसके ज़रिए आप अपने फ़ोन के मैसेज टोन्स वगैरह भी सेट कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ भी कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में। देख सकते हैं कि मैसेज टोन्स वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं। इसमें सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स पे जाते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, जिस पर जाकर आप मैसेज टोन्स वगैरह को सेट कर सकते हैं और कर पाएंगे IQ फ़ोन में। देख सकते हैं जिसमें से आपके पास ऑप्शन आ रहा है साउंड एंड वाइब्रेशंस, तो इसमें से आपको जाना है मैसेज ट्यूनिंग पे, यानी नोटिफिकेशन टूल्स पर जाकर नोटिफिकेशन साउंड भी सेट कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज साउंड भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आप मैसेज और नोटिफिकेशन साउंड आपका एक ही तरीके से सेट होता है जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैसेज टूल्स एंड मैसेज टूल्स को भी सेट कर सकते हैं और नोटिफिकेशन साउंड को भी सेट कर सकते हैं अपने IQ Z9 Lite 5G फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे और कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।